वहाँ जाके आराम से बैठ के करो, जाओ उधर जाके नहीं छोड़ो, बैठ के करना नहीं तो बैठ के आपके पड़ते हैं, बैठ के नहीं छोड़ो। कौन सकती है वाले आपका मेरी कलर चाहिए? हाँ हो गया, नीला रंग मार, नीला देते हैं, लाओ रंग लाओ, लो ना पास मार। हाँ ब्लू कलर ऑरेंज में नहीं जा बेटा, थोड़ा बीच में रखो ऑरेंज। दो मिनट रुक जाओ, उसको सूख के लो। बच्चे थे ना, वो जुगियों के पीछे जुआ वगैरह खेलना शुरू कर दिया। हमारा एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा और अंदर तक हमारा मल्टी कलर का ही बन जाएगा। कहीं कहीं वाइट रहेगा वो डिजाइन होता है और कहीं कहीं कलर आएगा। इसी तरह इसको कितनी बार भी धोएंगे कलर नहीं निकलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। इसको बेटा ऐसा डाल दो नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत आप तक। इस समय हमें मौजूद हैं डेसू रोड नियर वाटर टैंक के पास, जहां पर आप देख सकते हैं झुग्गी क्लस्टर एक बचा हुआ है जहां पे ये बच्चे रहते हैं। इस बच्चों को प्रोत्साहन दे रही हैं, इस इनके जीवन को संवार रही हैं करुणा दृष्टि फाउंडेशन की करुणा मिश्रा। आइए इन सबसे बात भी करेंगे, देखेंगे जो पिछले कई वर्षों से ये कर रही हैं बच्चों के लिए। ये बच्चे के जीवन को, उनको पढ़ाई का, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी लाइफ के लिए बहुत कुछ किया है। आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ है करुणा दृष्टि फाउंडेशन की फाउंडर करुणा मिश्रा, जिनके द्वारा इन बच्चों के भविष्य को संवारने का जो इन्होंने ये कार्य शुरू किया पिछले कुछ वर्षों से कर रही हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे ये काम बढ़ता जा रहा है, ये बच्चों को शिक्षित करती जा रही हैं, लोग इनसे जुड़ते जा रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं। और आइए उनसे बातचीत करते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में और उनकी आगे क्या सोच है और क्या कुछ करना चाहती हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार सभी को। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन बच्चों के साथ जुड़ के, मैम के साथ जुड़ के,
और जब मैं यहाँ पे आई थी और तो उस समय मैं अकेले ही थी जब मैंने कुछ कॉपी किताब लेकर यहाँ पे रोड पे बैठ गई थी पढ़ाने के लिए। उसके बाद मेरे साथ शशि मैम, सुनीता मैम सब लोग जुड़ रहे हैं और शशि मैम ने मेरा इतना साथ दिया कि मैं क्या बताऊँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये बच्चे आज की डेट में बहुत ज़्यादा इनमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत हर चीज़ में, चाहे वो शिक्षा हो या वो स्पोर्ट्स कराते हैं इनको हर तरह से। और मैम लोगों का साथ है तो ज़रूर इन बच्चों को लेके मैं काफ़ी ऊँचाई पर एक दिन पहुँच जाऊँगी। जो आपके साथ ये शशि मैम है जो कि आर्मी स्कूल से रिटायर हुई हैं, तो इतने एजुकेटेड लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं तो आपको तो हौसला और बढ़ रहा होगा। हाँ जी, बहुत हौसला बढ़ रहा है और शशि मैम को देख के मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है और मुझे लगता है शी इज़ विथ मी तो आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग इन माई लाइफ। करुणा मैम का एक ही एम है, इनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देनी है। अगर इनके पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगी तो बहुत संभव है कि ये अपने जीवन में सफल हो जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कदम बढ़ाए जा आगे बढ़े जा। मेरा नाम शशि प्रभा शर्मा है। मैं 2014 के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल धौलक कुआं से रिटायर्ड हुई थी अपने 30 साल की लंबी जर्नी के बाद, उससे भी पहले मैंने 7-8 साल और टीचिंग का काम किया, इसलिए मुझे 37 और 38 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर आने से पहले मैंने आफ्टर रिटायरमेंट मैंने कम से कम कोरोना से पहले तक बहुत बच्चों को पढ़ाया था, उनके स्कूल में जाना, उनकी पीटीए मीटिंग अटेंड करनी, उनकी परफॉर्मेंस देखनी, उनकी हेल्प करनी, उनका सब कुछ मैंने किया। लेकिन कोरोना की वजह से मैं आगे कुछ नहीं कर पाई। अब मैं अचानक ही करुणा से मिली थी यहाँ पर, ये बच्चों को देख रही थी तो मैंने कहा ये काम ठीक है, मैंने कहा वो वाला काम छोड़ा तो मैं मैम के साथ आ जाती हूँ। और तभी से मैं 2019 से मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ और बहुत अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना, समझाना, लिखवाना। लेकिन जिस बैकग्राउंड से ये बच्चे आते हैं उस बैकग्राउंड के अंदर इनकी पेरेंट्स कोई हेल्प नहीं करते हैं, केवल वो ये चाहते हैं जो करना है आपने करना है। अब जैसे कि आपने बताया आर्मी स्कूल से आप रिटायर हैं, उसके बाद इन बच्चों को, बेसहारा बच्चों को जिनका कोई भविष्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये करुणा मिश्रा द्वारा अपना फाउंडेशन बना के इन्होंने बच्चों के जीवन को एकदम से नई दिशा दी है। उसमें एक जो पढ़ाई से बहुत दूर थे, ऊंचाइयों से दूर थे, उन सबको के समाज की मुख्य धारा में लाना और उनको बड़ा करना, आपको कैसा लगता है? आप भी इनके साथ सेवा करिए, कैसा महसूस हो? मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि करुणा दृष्टि जो उन्होंने अपना एक एसोसिएशन बनाई है एक छोटा सा, उसके हिसाब से मुझे लगता है ये बहुत हेल्प करती हैं, लोगों की बहुत मदद करती हैं, अच्छे अच्छे एसोसिएशन के साथ जुड़ी हुई हैं जो इनडायरेक्टली इनकी हेल्प करने के लिए आगे तैयार रहते हैं, बच्चों को समझाना, पढ़ाना, लिखाना, उसके लिए ये बहुत एक्टिव है और हमेशा काम करने के लिए आगे रहती हैं। उसके लिए ना ये रात देखती हैं ना दिन देखती हैं। रियली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर एंड थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम सुनीता शर्मा है और मैं अभी कुछ ही दिनों से इनके साथ। देखो आप भी आए हो अभी गाड़ी में इनकी हेल्प के लिए, आपको कैसा महसूस होता है ऐसे बच्चों को, ये करुणा जी द्वारा ये जो करुणा दृष्टि फाउंडेशन बनाया गया है, ये बच्चे जो आज से पहले जिनका कोई भविष्य नहीं था, कोई उनके माता पिता कोई उनकी देखरेख नहीं कर सकते क्योंकि वो भी खुद मजदूर आदमी है तो क्या उनका करेंगे, तो ये इतना कुछ कर रही है पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे? आई रियली ग्रेटफुल फॉर मतलब इनके साथ जुड़ने के लिए और बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, मतलब ज़्यादा इनके लिए कि जब इनका कोई है नहीं देखने वाला तो हमें मौका मिला है इन सब के लिए कुछ करने का, तो ज़्यादा नहीं जितना हम कर सकते हैं उतना तो हम कर ही सकते हैं इनके लिए, तो बस अच्छा लगता है और जितना टाइम मिल सकता है हम इनको देते हैं आकर। नहीं, ये करुणा जी के साथ आपको जैसे आप जुड़ी हैं क्योंकि इन्होंने ये जो बच्चों के वेलफेयर का काम शुरू किया है, ये एक 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 युवा होने के साथ घर का काम होता है, 100 चीज़ें होती हैं, सबको छोड़ के इन्होंने समर्पण किया अपने आप को इन बच्चों के लिए, आपको कैसा लगता है इनके बारे? बहुत अच्छा लगता है रियल में, एक मतलब बहुत हेल्पफुल लेडी हैं ये और मैंने देखा है कि पूरा डेडिकेशन के साथ ये इनके साथ काम करती हैं, ये अच्छे से इनको पढ़ा रही हैं, इनको जब मैंने भी देखा इनको कि ये पढ़ रहे हैं बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन इनको कुछ नहीं आता है, इन्होंने काफ़ी कुछ इनको सिखाया है, मैनर सिखाई है, अच्छा साफ़ सुथरा रहना सिखाया है, पढ़ाई में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है इनके, मतलब देखा है मैंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा है और रियल में काफ़ी अच्छी लेडी है ये और मुझे भी अच्छा लग रहा है इनके साथ जुड़कर। धन्यवाद सर। ये जो बच्चों का करुणा दृष्टि फाउंडेशन द्वारा, ये करुणा मिश्रा द्वारा, ये बच्चों को जो आज पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं, ये बच्चे जो है इनके परिवार भी अनएजुकेटेड है,
मजदूर लोग हैं, बच्चे भी ये इधर उधर भागते थे, इन्होंने उन सबको इकट्ठा करके यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम शुरू किया, उनको नई दिशा दी है, नहीं तो ये भटक जाते, क्या बनते आप भी समझ सकते हो। तो क्या कहना चाहोगे, आप यहाँ आए हो, आपको कैसा लग रहा है सर? प्लीज़ पहले आप इंट्रोडक्शन दें। मैं हूँ कृष्णकांत कुलश्रेष्ठ, प्रॉस्पर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट का फाउंडर हूँ। मैंने भी इस ट्रस्ट की स्थापना करीब 3 वर्ष पूर्व इसी अवधारणा को लेकर के की है कि जो समाज के हमारे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, कृषक महिलाएं हैं, श्रमिक महिलाएं हैं, श्रमिक पुरुष हैं, और समाज के जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं उनके उत्थान के लिए कुछ अच्छा कार्य किया जा सके। और इसी जीजी विषय में, इसी अभिलाषा में पिछले दिनों में हमारे प्रॉस्पर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट के द्वारा कुछ साधारण कार्य किए गए हैं। आगे भविष्य में हम यही संभावना रखते हैं और यही एक स्वप्न संजोया हुआ है कि आप जैसे लोगों के साथ में मिलकर के, और जो ट्रस्ट हैं विभिन्न प्रकार के उन लोगों के साथ में मिलकर के, जैसे रेणु जी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और आज आपसे भी मुलाकात हुई, ये भी बहुत प्रसन्नता का विषय है, प्रफुल्लता का विषय है। सबके साथ मिलकर के समाज के उन वर्गों के लिए जिनको वास्तव में हमारी सहायता की, हमारे अनुभव की आवश्यकता है, उनके लिए कुछ सबल रूप से, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण रूप से कुछ अच्छा कार्य किया जा सके। तो ये एक अच्छा कदम है, मैं कहूँगा एक अच्छा प्लेटफॉर्म आज आप लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, दैट यू हैव एनविजन्ड ऑल दीज थिंग्स इन योर थॉट्स एंड योर सच थॉट्स, योर सच यू नो विजन एंड सच अप्रोच इज़ नाउ टेकिंग रियलिस्टिक शेप, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग बाई इट्स सेल्फ। और उम्मीद करते हैं कि शायद हम कुछ अच्छा इस ओर कर पाएंगे। जैसे आपका फाउंडेशन है, काफ़ी बड़ा फाउंडेशन, इन्होंने जो स्टार्ट किया है बिना फंड के स्टार्ट किया है, नॉर्मल लेडी हैं, तो फिर उन्होंने, इनका देखो प्रयास कितना ज़बरदस्त है, इन्होंने पूरा इनको अपना लिया है कि डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी यहाँ बच्चों के साथ होती है। आप इसमें क्या इनको और सजेशन करेंगे, हेल्प करेंगे या साथ जोड़ेंगे, क्या करना? नहीं, ये बहुत अच्छा प्रयास है आपका करुणा मिश्रा जी, बहुत अच्छा प्रयास है करुणा दृष्टि केयर फाउंडेशन की। कल ही मेरे को रेणु जी ने सब बताया तो मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई कि इस प्रकार की संस्थाएं भी हैं जो समाज के निम्नतम वर्ग के लिए बहुत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, उनके लिए मतलब दिल से कुछ करना चाहते हैं। ये बहुत एक अच्छा कदम है और उम्मीद करते हैं कि जो इस प्रकार की संस्थाएँ हैं, जैसे करुणा दृष्टि है, इसी तरह से नेहा कलालोक संगठन है, इसी तरह से हॉबी आइडियाज़ का है रेणु जी का, और प्रॉस्पर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट है हमारा, इन सब लोगों के, हम सब लोग जब एक बार मिल जाएंगे तो समवेत रूप से ये संभावनाएं बहुत बलवती और समीचीन हो जाती हैं कि कुछ अच्छा कार्य हम कर पाएँ। और इसके लिए हम ये भी चाहते हैं कि समाज के कुछ और आला वर्ग के लोग हैं जो इस ओर अगर देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग भी कुछ अपना योगदान दे पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। मैं रेणु गुप्ता, और मैं पिछले 10 साल से कर रही हूं, उससे पहले नेहा कला लोक से जुड़ी थी, मुझे नहीं पता था कि कैसे करते हैं काम, सीखते सीखते यहां तक पहुंच गए हैं, और जब चलते हैं, जैसे करुणा जी भी जानती हैं, रास्ते बनते जाते हैं। तो सेम मैं बेसिकली मैं एक आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हूँ, पीडी लाइट की एक्सपर्ट टीचर हूँ, और क्रिएटिविटी मेरा काम है, तो मुझे सिखाना बड़ा अच्छा लगता है। तो सब कुछ तो बना के अपना घर नहीं सजा सकती ना, तो उसको जितना बांटोगे बढ़ता है। तो मेरा गोल बस यही है कि मेरे को आता है ये, सीख जाए, कुछ काम आ जाए। नहीं, जैसे करुणा जी ने ये जो प्रयास किया है ये निम्न वर्ग के बच्चों के लिए, हाँ, जिनका भविष्य अंधकार में था, उनको एक नई दिशा दी है, क्या कहना चाहेंगी आप इनके बारे में? ये तो बहुत माइंड ब्लोइंग आइडिया है, और शायद मुझे नहीं रास्ता मिला, या ये भी कह सकते हैं हिम्मत नहीं पड़ी, कि टीम है, सबकी अपनी सोच होती है ना, तो टीम के बिना काम नहीं होता। लेकिन हैट्स ऑन है कि मैम ने अकेले जो एफर्ट्स लगाए हैं, और इनसे मिलके मतलब एकदम विजन चेंज होता है ना, तो वो हुआ है मेरे साथ। तो मिले हैं और उम्मीद करती हूँ हम मिलके बहुत अच्छा करेंगे इन बच्चों के लिए, इन लेडीज़ के लिए। तो आज तो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है, तो प्लस पॉइंट में ले रहे हैं कि प्लस काम होगा आगे भी, यहाँ पे और चीज़ें होंगी तो करते हैं।